बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेस्कोपान प्लस टेबलेट के बारे में। इसमें दो फार्मूले है, दो केमिकल्स है, यानी दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। पहला है पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, सेम एज़ पेनाडाल टेबलेट में जो है, पेड्रोल में है, पेनाडाल एक्स्ट्रा में है, फेब्रोल कालपाल वगैरह की जो टेबलेट है उसमें भी पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम पेरास्टामोल पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह बुखार और दर्द के लिए मंदरजा बाला ब्रांड्स काम कर सकते हैं, इतना ही ताकतवर पेस्कोपान प्लस की गोली भी है और दर्द बुखार के लिए काम करेगा। दूसरा इसमें है हायोसिन बोटाइल ब्रोमाइड, ये एंटी स्पाजमोडिक दवाई है। जब स्मूथ मसल यानी हमारे जिस्म के नरम हिस्से, वह मसल्स जिसमें हड्डी ना हो, जब सख्त हो जाए, स्पास्टिक हो जाए, तो ये दवाई उसके ख़िलाफ़ काम करता है, स्पाजम यानी सख्ती को ख़त्म करता है, नतीजतन जो दर्द होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जिस्म के नरम हिस्सों पर यानी पेट, मसाना, आंत, गुर्दा वगैरह के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसका तरीक़े काम ये है, मेकनिज़म ऑफ एक्शन ये है कि ये स्मूथ मसल जो ऊपर बयान किया गया है, इसको इसकी स्पास्टिसिटी सख्ती ख़त्म करता है, रिलैक्स करता है और मैदा आंतों की हरकत को भी कम करता है। ये प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में आता है, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं हमल के दौरान ख्वातीन और लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चों को दूध देती है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुक्रिया।